अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हमें स्टडी करना है बैक्टीरियोफेज के बारे में कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज किसे बोलते हैं। तो बच्चों, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है एंड ये बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है कि जो दो पोर्शंस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक पोर्शन को हम बोलते हैं हेड वाला पोर्शन और एक पोर्शन को हम बोलते हैं टेल पोर्शन। बैक्टीरियोफेज की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं और उन टाइप्स में हमारे पास T2, T4, T3 एंड सो ऑन, इस तरह की जो है मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। अब उनमें से जो सबसे बेसिक टाइप है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी किया जाता है वो T2 एंड T4 जो है, इनको ज़्यादा स्टडी किया जाता है। और ये जो T2 एंड T4 बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं, इनकी स्टडी करने की रीजन ये होती है कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, वाजिया होता है, और इसकी स्टडी से हमें काफ़ी जो है इसके साइकिल के बारे में ज़्यादा जो है इंट्रोडक्शन पता चलता है। अब अगर सबसे पहले अगर बात की जाए इसके स्ट्रक्चर की, बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर की, तो बैक्टीरियोफेज वायरस का स्ट्रक्चर दो पोर्शन पर मुश्तमिल होता है। एक को आप बोलते हो हेड वाला पोर्शन और एक को बोलते हो टेल वाला पोर्शन। डैट इज इट्स हेड पोर्शन एंड डैट इज इट्स टेल पोर्शन, ये इसका टेल पोर्शन है। बच्चों, जो हेड पोर्शन होता है ये बाई पैरामीटर होता है, ये पैरामीटर होता है, किस शेप का होता है, पैरामीटर शेप का होता है, पैरामीटर शेप का होता है। पैरामीटर किसे कहते हैं, पैरामीटर मखरूती शक्ल कहते हैं, मखरूत टाइप की जो शक्ल होती है, इस टाइप की जो शक्ल होती है मखरूत टाइप की, उसको हम बोलते हैं पैरामीटर। अब अगर देखा जाए तो ये ऐसे पैरामीटर की शक्ल बना रहा है और अगर देखा जाए तो नीचे से पैरामीटर की शक्ल बना रहा है, तो इसे हम बाई पैरामीटर भी बोलते हैं, दो साइडों से पैरामीटर की शक्ल बना रहा है, पैरामीटर से। तो और सेकंड बात ये है कि ये सिक्स कॉर्नर बेंजीन रिंग से भी मुशाबहत रखता है, तो इसको हम हेक्सागोनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो है वो सिक्स कॉर्नर होते हैं। कितने कॉर्नर होते हैं, सिक्स कॉर्नर होते हैं। हेड वाले पोर्शन के अंदर डबल स्टैंडर्ड जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल को हम लोग डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। अब अगर बात की जाए इसके टेल वाले पोर्शन की, तो टेल वाला पोर्शन जो है, इस टेल वाले पोर्शन की जो आउटर कवरिंग होती है, इस आउटर कवरिंग को हम लोग बोलते हैं शीथ। क्या बोलते हैं, शीथ। और इसकी इनर साइड में मौजूद इन स्ट्रैंड्स को बनाने वाली जो होती है वो खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं। क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं। इस शीट ने, इस तह ने, इस लेयर ने इन प्रोटीन्स को कवर किया होता है, ढांपा हुआ होता है। अब जो इसका टेल के, इस टेल के दो पोर्शन हैं, जो इसका बेसिक पोर्शन है जो इसको हेड वाले एरिया से जोड़ता है, उस पोर्शन को हम कॉलर पोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलर पोर्शन। टेल का वो पोर्शन जो इसके अपर पार्ट को हेड के लोअर पार्ट के साथ जोड़ता है, उसे बोलते हैं कॉलर पोर्शन, ये उसका कॉलर पोर्शन। और जो इस टेल का नीचे वाला पोर्शन है, लास्ट वाला पोर्शन है, जहां पर इसकी स्ट्रक्चर जो है वो खत्म होता है, उसको बेस प्लेट या प्लेट बेस बोलते हैं, बेस प्लेट बोलते हैं, क्योंकि ये प्लेट जो है, ये इस टेल वाले पोर्शन की बेस वाला पार्ट जो अंडरग्राउंड पोर्शन है उसको बनाने के इस्तेमाल होती है। अब जो इस वायरस का, एक तो ये हेड वाला पोर्शन है जिसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाली क्यों था, दूसरा जो इसका टेल वाला पोर्शन है, इस टेल से निकलने वाली जो स्ट्रिंग्स होती हैं, ये जो स्ट्रिंग्स हैं इनकी टोटल तादाद होती है सिक्स। कितनी तादाद होती है, सिक्स। इसकी सिक्स जो होती हैं वो स्ट्रिंग्स निकलती हैं टेल की, जो इसके टेल वाले पोर्शन से निकलती है, थ्री फ्रॉम वन साइड एंड थ्री फ्रॉम अनदर साइड। अब इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब जो इस बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर जो है, ये दो किस्म के साइकिल परफॉर्म करता है, दो साइकिल परफॉर्म करता है। एक को हम लोग बोलते हैं लाइटिंग साइकिल। क्या बोलते हैं, लाइटिंग साइकिल। हम ये कह सकते हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ टू साइकिल्स, ये दो साइकिल्स पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट साइकिल इज लाइटिंग साइकिल एंड सेकेंड साइकिल इज लाइसोजेनिक साइकिल। यहाँ पे जो लाइटिंग साइकिल है, इसका नाम, इस लाइटिंग का नाम लाइसिस से बना है। किससे बना है, लाइसिस से। और लाइसिस का मतलब होता है किसी भी चीज की ब्रेक डाउन करवाना।
शिकार हो जाती है तो उस प्रोसेस को हम लाइसिस बोलते हैं, और जो लाइसिस रखने वाला साइकल होगा उसको हम लाइटिंग साइकिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाइटिंग साइकिल। हम कह सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं कि लाइटिंग साइकिल इज डिफाइंड एज साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज इन विच ब्रेकडाउन ऑफ बैक्टीरियल सेल टेक प्लेस, जिसमें बैक्टीरिया का सेल टूट-फूट का शिकार होता है, उस साइकिल को हम क्या बोलते हैं? लाइटिंग साइकिल बोलते हैं। अब इसमें कैसे ब्रेकडाउन होती है? सबसे पहले जो आपके पास बैक्टीरियोफेज है, क्या है? बैक्टीरियोफेज है, और बैक्टीरियोफेज का जो दूसरा नाम होता है फेज वायरस। क्या नाम होता है? फेज वायरस। तो हम कह सकते हैं कि फेज वायरस जो है, जब वो किसी भी बैक्टीरिया को, जब भी वो किसी भी बैक्टीरिया के करीब आता है, तो उस बैक्टीरिया की अपर सरफेस पे, उस बैक्टीरिया की अपर सरफेस पे अपने टेल वाले पोर्शन को, अपने इस टेल वाले पोर्शन को क्या करता है? अटैच करता है। सबसे पहले वो आके इस टेल, इस बैक्टीरिया के इस अपर सरफेस को सेंस करता है, मतलब फील करता है, सेंस करता है, और इसमें वो इसके रिसेप्टर सेल से, बैक्टीरियल सेल के रिसेप्टर सेल से अपने आप को आगे अटैच कर लेता है। अब जो जैसे ही वो अपने आप को अटैच करता है, तो उसके बाद वो अपनी टेल्स को, ये वायरस, फेज वायरस है बैक्टीरियोफेज, अपनी टेल्स को कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। क्या करवाता है? कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेल। और जैसे ही टेल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो टेल का ये वाला जो पार्ट होगा, ये इस बैक्टीरिया की सरफेस के अंदर पेनिट्रेट कर देता है। क्या कर देता है बच्चों? पेनिट्रेट कर देता है बैक्टीरिया की। अब सेल वॉल के अंदर फेज वायरस की टेल ने पेनिट्रेट कर लिया। अब जैसे ही पेनिट्रेट करता है, तो इसके ये टेल वाला पोर्शन बैक्टीरियल सेल के अंदर आ गया। लेकिन बच्चों वो ये कहता है कि टेल का अबव पोर्शन और हेड वाला जो पोर्शन होता है, ये हमेशा बास बैक्टीरिया के अंदर, तो ये सिर्फ टेल वाला पोर्शन अपना अदा फील करते हैं, लेकिन बास बैक्टीरिया के अंदर ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को बैक्टीरियल सेल के अंदर दाखिल कर देते हैं। अब पेनिट्रेशन वाला फर्स्ट मरहला मुकम्मल हो गया। अब पेनिट्रेशन के बाद सेकंड मरहला होता है रेप्लिकेशन का। किसका होता है? रेप्लिकेशन का। रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच रेप्लिका ऑफ मेनी काइंड्स आर प्रिपेयर्ड और सिंथेसाइज्ड, जिसके अंदर काफी ज्यादा कापियां तैयार होती हैं किसी भी जानदार के सेल की, उसे हम रेप्लिकेशन का प्रोसेस बोलते हैं। अब ये बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल के अंदर सबसे पहले पेनिट्रेट करेगा, उसके बाद यहां पे रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। रेप्लिकेशन स्टार्ट करने में, रेप्लिकेशन को स्टार्ट कैसे करता है? वो बैक्टीरिया सेल की जो बायोसिंथेटिक मशीनरी है, बायोसिंथेटिक मशीनरी है, उसको कंट्रोल कर लेता है, और कंट्रोल करने के बाद वो बैक्टीरियल डीएनए को चेंज कर देता है वायरल डीएनए में। किसमें चेंज कर देता है? वायरल डीएनए। अब ये वायरल डीएनए अपनी कॉपियां तैयार करना शुरू कर देता है, और कहते हैं कि अबाउट 25 मिनट्स, 25 मिनट्स के अंदर जो है वो 250 कॉपीज जो है वो वायरल डीएनए की बन जाती हैं। किसके अंदर? बैक्टीरियल सेल के अंदर। अब जब इतनी ज्यादा कॉपीज वायरल डीएनए की बन जाती हैं, तो एक स्टेज वो आती है कि ये बैक्टीरिया की सरफेस यहां से ब्रेकडाउन हो जाती है, और इसकी ब्रेकडाउन की वजह से ये तमाम के तमाम वायरल डीएनए बाहर निकल आते हैं, और इनमें से हर एक वायरल डीएनए जो होगा वो अब एक नए बैक्टीरिया को जाके क्या करेगा जी? इफेक्ट करेगा, और उसी तरीके से फिर दोबारा लाइटिंग साइकिल क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से ये पूरे का पूरा लाइटिंग साइकिल जो है ये स्टार्ट हो जाता है। फाइनली हम ये बात करती हैं कि लाइटिंग साइकिल की सच टाइप ऑफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज इन विच लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल टेक प्लेस, जिसमें बैक्टीरिया का सेल लाइसिस कर जाता है, उस साइकिल को हम क्या बोलते हैं? लाइटिंग साइकिल। अब जो जब एक बार मैं आपको बोल गया कि यहां पे जब ये टेल्स पेनिट्रेट कर रही होती है बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो इनकी पेनिट्रेशन में जो प्रोटीन इनकी हेल्प करती है, उस प्रोटीन का नाम होता है लाइसोजाइम एंजाइम। ये वो एंजाइम होते हैं
जो वायरस की बैक्टीरियोफेज की हेल्प करते हैं कि वो अपनी टेल को बैक्टीरियल सेल के अंदर पेनिट्रेट कर सके। तो ये सारे का सारा आपका क्या था जी, लाइटिंग साइकिल था। अब सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें लाइसोजेनिक साइकिल की, तो लाइसोजेनिक साइकिल इज सच टाइप ऑफ साइकिल इन व्हिच नो ब्रेकडाउन ऑफ बैक्टीरियल सेल टेक प्लेस, जिसमें बैक्टीरियल सेल की टूटने का अमल नहीं होता। और इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जब ब्रेकडाउन का अमल नहीं होगा तो वो इनकॉर्पोरेशन विद क्रोमोसोम, इनकॉर्पोरेशन विद क्रोमोसोम इस पॉइंट का मतलब ये है कि बैक्टीरियल सेल और वायरल सेल आपस में कॉपरेशन करके एक दूसरे के साथ होने के बावजूद जो है साइकिल को कंटिन्यू करते हैं, हम साइकिल को लाइसोजेनिक साइकिल बोलते हैं। मतलब इसमें बैक्टीरियल सेल टूट टूट का शिकार नहीं होता, तो इसको हम लाइसोजेनिक साइकिल बोलते हैं। अब इस साइकिल में होता क्या है, इस साइकिल में भी ऐसे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर ये एक वायरल या बैक्टीरियोफेज आएगा और ये बैक्टीरियोफेज आके इसके ऊपर अपनी जो है टेल वाले पोर्शन को रखेगा। सेम उसी तरीके से लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो हेल्प करेंगे इस बैक्टीरिया, इस वायरस के इन टेल्स की हेल्प करेंगे ये लाइसोजाइम एंजाइम कि ये बैक्टीरिया की सरफेस के अंदर पेनिट्रेट हो जाए। और सेम उसी तरीके से ये बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल नहीं करेंगे, बल्कि ये बैक्टीरिया के अंदर मौजूद जितने भी क्रोमोसोम होंगे उन क्रोमोसोम के साथ जो है अपनी कॉपरेशन बना लेंगे, ताबू बना लेंगे। और यहां पे जो है बैक्टीरिया की जो बायोसिंथेटिक मशीनरी है वो फर्दर बैक्टीरिया को तैयार करती रहेगी और साथ के साथ जो वायरसेस होंगे वो भी अपने वायरल डीएनए की प्रोडक्शन जारी रखेगी। मतलब दोनों काम हो रहे होंगे, बैक्टीरिया की बायोसिंथेटिक मशीनरी फर्दर बैक्टीरिया प्रोड्यूस करवा रही होगी और जो वायरस का जो वायरल डीएनए प्रिपेयर करने का जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो भी साथ साथ क्या हो करेगा, स्टार्ट हो करेगा। अब यहां पे वायरस और बैक्टीरिया का आपस में कनेक्शन रहेगा, एक दूसरे को जो है वो इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन बच्चों बास टाइम ऐसे होता है कि जब इन वायरसेस को फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, अपनी पसंद की कंडीशंस मिलती हैं या इनको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है, तो ये इन बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को धोखा देते हैं और इनसे अलहदा हो जाते हैं। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर से क्या हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं और अपनी अलहदा इनकी दोबारा बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल कर लेते हैं और कंट्रोल करने के बाद दोबारा कॉपीज तैयार करते हैं अपने वायरल डीएनए की। किसकी कॉपीज तैयार करते हैं, वायरल डीएनए की कॉपीज तैयार करते हैं। और इस प्रोसेस को के जिसमें अचानक से सडनली तौर पर लाइटिंग साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाए, टूट टूट वाला साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाए, तो इसको हम इंडक्शन का प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन का प्रोसेस बोलते हैं। इंडक्शन की हम तारीफ ये करेंगे कि व्हेन फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल फॉर डेड बैक्टीरियोफेज देन बैक्टीरियोफेज अगेन डीअटैच्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया दोबारा डीअटैच हो जाती है, अलग हो जाती है, एंड अगेन द कॉपीज ऑफ वायरल डीएनए बिकम सिंथेसाइज्ड और वायरल डीएनए की कॉपीज दोबारा से सिंथेसाइज तैयार होना शुरू हो जाती है, इस प्रोसेस को हम इंडक्शन का प्रोसेस बोलते हैं। तो ये दो बच्चों साइकिल होते हैं बैक्टीरियोफेज में, बैक्टीरियोफेज ऑफ वायरस व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ हेड पोर्शन एंड टेल पोर्शन एंड दैट हेड पोर्शन इनक्लोज अ सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड दैट टेल पोर्शन कंसिस्ट ऑफ फर्दर सिक्स स्ट्रिंग्स ऑफ टेल्स। एंड देन हम उसके अंदर पढ़ा है कि इसके अंदर दो साइकिल होते हैं, लाइटिंग साइकिल के अंदर बर्स्टिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल टेक प्लेस होती है जिसे हम वायरल डीएनए बाहर निकल जाते हैं और दोबारा से नए बैक्टीरिया को इफेक्ट करते हैं, और लाइसोजेनिक साइकिल में बजाय वो उसको बस्ट कर रहे हैं, उसके साथ कोऑपरेट करके जो है ताबून करके अपने काम को जारी रखते हैं और सिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो इसको हमने कहा लाइसोजेनिक साइकिल। लेकिन बास कंडीशन में जब उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वो दोबारा से डीअटैच हो जाते हैं बैक्टीरिया से, अलग हो जाते हैं कौन सी, ये बैक्टीरियोफेज के वायरस, और फिर दोबारा से ये लाइटिंग साइकिल स्टार्ट कर देती हैं। इस प्रोसेस को हमने इंडक्शन का नाम दिया। तो ये बच्चों आपने लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज अच्छे से तैयार कर लिया है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी पूछा करें कमेंट्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लिया करें। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करें।
अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।